अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओस्काना मार्करोवा ने रूस की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। आइए जानते हैं इन घातक बमों के बारे में और ये कैसे मचाते हैं तबाही। सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम बम की। ये एक थर्मोबैरिक हथियार है। थर्मोबैरिक हथियारों में बारूद का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह वैक्यूम बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। इससे अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं जो तबाही का स्तर बढ़ा देती हैं। वैक्यूम बम 44 टन TNT की ताकत के साथ विस्फोट करने में सक्षम है। ये 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। दावा है कि रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर किया था। रूस ने वैक्यूम बम को 2007 में डेवलप किया था, जिसका वजन 7100 किलो है। अमेरिका के पास भी ऐसा ही बम है जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ये 11 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका नाम GBU-43/B है। अब बात करते हैं क्लस्टर बम की। क्लस्टर बम या गुच्छ बम खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनमें मुख्य बम से कई सारे छोटे विस्फोटक यानी लघु बम निकलते हैं। ये छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा कई गुना रहता है। मुख्य बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। ऐसे में युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी इन बमों की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। ये थे क्लस्टर बम और वैक्यूम बम की पूरी कहानी। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।